चींटी और टिड्डा की दोस्ती। एक समय की बात है, एक हरे भरे मैदान में एक मेहनती चींटी और एक खुश मिजाज टिड्डा रहते थे। हर दिन चींटी जल्दी उठकर सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती थी। वह भारी भरकम गेहूं के दाने और छोटे छोटे बीज अपने घर के नीचे एक बड़े पेड़ के पास ले जाती थी। दूसरी ओर टिड्डा गाना गाने और अपनी बीन बजाने का शौकीन था। वह मैदान में इधर उधर कूदता, गर्म धूप और ठंडी हवा का आनंद लेता। वह अक्सर चींटी का मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, आओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन चींटी सिर हिला देती। मैं सर्दियों के लिए भोजन जमा कर रही हूँ, उसने कहा। जब ठंड आएगी तो कोई खाना नहीं होगा और मैं भूखी नहीं रहना चाहती। टिड्डे ने ध्यान नहीं दिया। वह गाता और खेलता रहा, कूदता और नाचता रहा, जबकि चींटी बिना रुके काम करती रही। जल्द ही गर्मी खत्म हो गई और सर्दियां आ गई। मैदान बर्फ से ढक गया और पेड़ सूने हो गए। टिड्डा ठंड में कांप रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह चींटी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। कृपया चींटी, मुझे कुछ खाना दो, टिड्डे ने विनती की। मुझे भूख और ठंड लग रही है। चींटी को टिड्डे पर दया आई, लेकिन उसने उसे समझाया, मैंने पूरी गर्मी मेहनत की जबकि तुम गाते और खेलते रहे। अब समय है कि तुम एक सबक सीखो। उसने टिड्डे को थोड़ा खाना दिया और टिड्डा आभारी हुआ। धन्यवाद चींटी, मैंने सीखा कि भविष्य के लिए तैयारी करना जरूरी है। अगली गर्मी में मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। टिड्डे ने अपना वादा निभाया। जब गर्मी फिर से आई तो उसने चींटी के साथ मिलकर काम किया, भोजन इकट्ठा किया और सर्दियों के लिए तैयारी की। वे अपने खाली समय में साथ गाते और खेलते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। इस प्रकार चींटी और टिड्डा सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मेहनत और तैयारी का मूल्य समझा। वे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। हर मौसम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।